हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक स्पेशियस अपार्टमेंट देखने के लिए आए हैं जिसका ये एंट्रेंस लॉबी है। ऑलमोस्ट 80 स्क्वायर फीट का ये एंट्रेंस लॉबी मिलेगा आपको, जहाँ पर सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। और ये हम प्रॉपर्टी में एंटर कर रहे हैं। एंटर करने पर राइट साइड में पूरा सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, इसकी पूरी जानकारी हम लोग आपको इस प्रॉपर्टी की एंड तक बताएंगे। तो जितना भी इसमें आप फर्नीचर देख रहे हो, जो भी चीज़ें, जो भी फर्नीचर आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में, ये इस प्रॉपर्टी के साथ ही दिया जा रहा है। आप देख रहे हो हॉल प्लस डाइनिंग इसका कितना स्पेशियस है, बढ़िया मेंटेन प्रॉपर्टी। साथ ही एक बिग साइज़ का बैल्कनी है, जो हम लोग पहले यहाँ पर दो बेडरूम्स देख लेंगे, उसके बाद वो बैल्कनी कवर करेंगे। तो ये हम आ गए हैं इसके बेडरूम नंबर वन में। ड्रेसिंग टेबल, ये बिग साइज़ डबल बेड है। यहाँ पर वार्डरोब है। इस रूम में एसी लगा हुआ है और हम लोग जैसे कि हायर फ्लोर पर है तो सामने का पूरा ओपन व्यू मिलता है आपको। ये लॉफ्ट को कवर करके स्टोरेज बनाया हुआ है, बढ़िया एसी लगा हुआ है। ये है इसका कॉमन वॉशरूम। बाजू की तरफ सेरा सारे ब्रांडेड फिटिंग्स है, सेरा जगवार के वॉश बेसिन, कॉमन वॉशरूम जहाँ पर वेस्टर्न टॉयलेट दिया हुआ है। वहाँ से आगे आने पर यह है इसका बेडरूम नंबर टू। यहाँ पर वॉशिंग मशीन फिट की हुई है, इसके साथ में जो बैल्कनी था यहाँ पर। यह है इसका बेडरूम नंबर टू, पूरा स्टोरेज यहाँ पर बनाया हुआ। बढ़िया पीओपी वर्क किया हुआ। और यह इसका डाइनिंग एरिया। तो इसका जो टेरेस है, ये आप देख रहे हो इसका टेरेस, काफ़ी बिग साइज टेरेस है ये। और यहाँ से ये आपको पूरा ग्रीनरी और माउंटेन्स का व्यू मिल रहा है। ये सोसाइटी में एक अपार्टमेंट देख रहे हैं हम लोग, एक कार पार्किंग के साथ में, सोसाइटी विद ऑल एमिनिटीज़। ये दो बिल्डिंग के बीच में से आप अगर देख रहे हो तो वहाँ पर डीमार्ट है। आसपास का एरिया बहुत ही बढ़िया डेवलप हो रहा है। पूरा सिटिंग बनाया हुआ यहाँ पर देखिएगा। इवनिंग टी का आप यहाँ पर मज़े ले सकते हो। तो आइए अंदर चल के बेडरूम, एक बेडरूम और किचन जो बचा हुआ है वो देख लेते हैं। ये भी पूरा स्टोरेज इस पर बनाया हुआ। और यहाँ से आपको हॉल प्लस डाइनिंग का एक व्यू देते हैं। इसी के सामने यहाँ पर किचन फुल्ली डन, चिमनी फिटिंग्स के साथ में, डबल डोर का रेफ्रिजरेटर है, सारे कैबिनेट्स बनाए हुए, ऊपर भी स्टोरेज किया हुआ। वाटर अवेलेबिलिटी 24 आवर्स, ये आप देख सकते हो। ये वाला यूजेबल वाटर है और ये वाला ड्रिंकिंग वाटर है, 24 आवर्स का अवेलेबिलिटी रहता है। साथ ही एक ड्राई बालकनी। और ये हम लोग जा रहे हैं बेडरूम नंबर थ्री में। यह है इसका वॉशरूम वेस्टर्न टॉयलेट के साथ, बाहर की तरफ वॉश बेसिन, यहाँ पर वॉशरूम। और ये है बेडरूम नंबर थ्री, जहाँ पर ड्रेसिंग टेबल है, डबल बेड है और फुल साइज़ वार्डरोब। यहाँ पर भी आप देखोगे एसी लगा हुआ है और ऊपर की तरफ में स्टोरेज बनाया हुआ। बढ़िया मेंटेन प्रॉपर्टी है और अच्छे प्राइसिंग में भी आ जाएगी। जो प्राइस दिया हुआ है नेगोशिएबल है। इसकी और ज़्यादा जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूले। हम डेली एक नया वीडियो लेकर आते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू।